और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने ही सीएम पर हमला करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी लड़ाई का खुला ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, शराबबंदी को लेकर मेरी आवाज को सीएम ने अनसुना किया। सदन में 16 बार शराबबंदी के लिए आवाज उठाई लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा अमित शाह वाल्मीकि हैं, अब वही सुलह कराएंगे। तो 20 तारीख से शराबबंदी के लिए आंदोलन शुरू करूंगा, तो एक बार फिर से अब मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अपनी सरकार के लिए। तो उन्होंने कहा है कि साथ नहीं मिला तो महिलाओं से 2019 में वोट का बहिष्कार कराऊंगा। तो अब साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि 20 तारीख से आंदोलन करेंगे और तब भी अगर यहां सरकार नहीं सुनती है तो वो जो मतदाता है इलाके के उनसे वो 2019 के चुनाव का बहिष्कार करवा देंगे। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि एनडीए का एक घटक दल है और कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया है। इनकी वोटों की पकड़ को देखते हुए कई बार इस तरह के इनके रुख अख्तियार करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली जाकर इन्हें मनाया गया और एक बार फिर इन्होंने ऐलान कर दिया है जंग का। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से है, बीच में आकर के फैसला अमित शाह करा करके जाएंगे। सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि ये जनता की चाहत है और ये जनता शराब बंद कराना चाहती है 2019 के चुनाव में। आप इसको बंद करिए, जो समर्थन नहीं करेगा, जो पार्टी इस आंदोलन में अगर कोई भी बहिष्कार करेगा, विरोध करेगा, तो लोकसभा 2019 के चुनाव में उस पार्टी का हम महिलाओं से बहिष्कार करेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर जो एक बार फिर से मुश्किलें पैदा कर रहे हैं अपनी ही सरकार के लिए और ऐलान कर दिया है कि 20 तारीख से आंदोलन करेंगे। मुकेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुकेश, कैसे तेवर हैं इस बार? हालांकि पहली बार नहीं, लेकिन इस बार लग रहा है कुछ ज्यादा ही नाराजगी है। जी, आपको बता दें कि ये ओम प्रकाश कैबिनेट मंत्री राजभर अपने आवास पर कल कार्यकर्ताओं की बैठक की है, जिसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश में शराबबंदी का आह्वान किया और इन्होंने कहा कि मैं 16 बार कैबिनेट में आवाज उठा चुका हूं, इस बार मैं 20 तारीख को शराबबंदी के लिए महिलाओं को आगे करेंगे और शराबबंदी का खिलाफत भी करेंगे और 2019 में महिलाएं वोट से बहिष्कार भी कर देंगी। जी बिल्कुल, और जाना चाहेंगे यहां पर कि किस तरह से आगे इनकी तैयारियां चल रही है यहां, क्योंकि 20 तारीख का जो ऐलान इन्होंने किया है। जी, इनका ये पूरे जनपद से महिलाओं को इकट्ठा करेंगे और 50,000 तक महिलाओं को ये भीड़ इकट्ठा करेंगे और एक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिहार में शराबबंदी हुई है उसी तर्ज पे यूपी में भी ये शराबबंदी कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि गरीब लोग ही ज्यादातर शराब पीते हैं और महिलाओं को आय भी प्रताड़ित करते हैं, जिससे महिलाएं परेशान रहती है। इसको लेकर और ये शराबबंदी कराने का उत्तर प्रदेश में फैसला इन्होंने लिया है। बिल्कुल, तो चलिए देखना होगा।